में हम झारखंड की सत्ता में आए हैं, जिन उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी आप सभी ने सौंपी है, उन आकांक्षाओं और उद्देश्यों को वर्तमान सरकार अवश्य पूरा करने का प्रयास करेगी। इस लक्ष्य को भेदने के लिए युवा वर्ग आगे बढ़ेगा। आपको आगे बढ़ने से ही राज्य, समाज और परिवार की समृद्धि बढ़ेगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री बोकारो में आयोजित सभा कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोकारो में मेरा बचपन गुजरा, पढ़ाई यही हुई। बोकारो में मैंने महत्वपूर्ण समय गुजारा है। अपनी जिम्मेवारी के साथ आपका बेटा आज आपके सामने खड़ा है। इस भौतिकवादी युग में सभी संसाधन उपलब्ध है, फिर भी अमन, चैन और शांति की कमी है। जीवन में शांति का संचार हो, इसके लिए प्रभु के विचारों के साथ चलना होगा, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने प्यारे बेटे को चुना कि ये झारखंड राज्य पर मुख्यमंत्री हो जाएं। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर आवर चीफ मिनिस्टर। हमारे मुख्यमंत्री के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। लेट योर हैंड बी अपॉन हिम लॉर्ड। प्रभु आपका हाथ इन पर होने पाए। एंड ब्लेस ऑल हिज एफर्ट्स लॉर्ड। और प्रभु इनके सारे परिश्रम को आप आशीष दीजिए। लेट हिम बी एबल टू हैव द बेस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इनके पास सबसे अच्छे ऐसे मंत्री होने पाए। लॉर्ड ब्लेस हिज एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन। और इस दिशा में प्रभु इनके परिश्रम को आप आशीष दीजिए। ब्लेस द स्टेट। इस राज्य को आशीष दीजिए। गिव देम द प्रोग्राम्स एंड द प्लान्स टू बेनिफिट ऑल द पीपल ऑफ झारखंड। झारखंड के सभी लोगों के लाभ के लिए आप इन्हें योजना दीजिए और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आप नई नई विचार दीजिए। लेट द फाइनेंसेस पोर फॉर एवरी प्रोजेक्ट एंड एवरी प्लान। प्रभु हर एक प्रोजेक्ट और हर एक प्लान के लिए धन का प्रबंधन हो जाए। लेट द यंग पीपल बी ब्लेस्ड। और जवान आशीष पाए। And let peace prevail in the state. और इस राज्य में शांति प्रबल होती चली जाए। No evil should touch the state, Lord. इस राज्य को कोई भी बुराई छूने न पाए। And let thy son, our beloved, respected chief minister, have divine peace. और प्रभु आपके बेटे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, शांति पाए। Good health. अच्छी तंदुरुस्ती पाए। And all the ministers be blessed. और सारे मंत्री बाजार में उपलब्ध है, लेकिन बाजार में प्रभु का आशीर्वाद उपलब्ध नहीं। आज निश्चित रूप से समय के अभाव होने की वजह से आज जिनको हम सुनने आए हैं उनकी ही बातों को हम लोग सुनेंगे दिनों तक और अपने दिलों में इसे उतारेंगे। जिम्मेवारी आप लोगों ने पूरे राज्य की हमारे कंधों पर दिया है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दे कि आज इस राज्य को जिस उद्देश्य के लिए अलग किया गया है वो उद्देश्य हमारा पूरा हो। आज जिसने हमारे नौजवानों का सपनों को हम पूरा कर सकें। आज गरीब गुरुए लोगों पर सरकार की नजरें पहुंची। इसलिए साथी, यहां हमारे जितने भी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग आए हैं, आप सब लोगों को बोकारो से ब्यूरो रिपोर्ट। नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।